मेरा नाम मैं हूँ बॉम्बे से। बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मैं कश्मीर की इन स्नो क्लैड माउंटेन में अपना फर्स्ट बिता रही हूँ। रियली गुड, आई फील आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी बोल नहीं पाऊंगी। इट्स गोइंग टू बी मेमोरेबल एंड इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, सो इट विल बी मेमोरेबल। मैं ये बताऊंगी कि कश्मीर is as close to heaven as you can imagine and you should come here and spend time. But मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ जो टूरिस्ट मनी मेकिंग थी वो थोड़ा बेटर होना चाहिए। एंड जैसे हम बाहर जाके स्विट्जरलैंड या कहीं घूमते विदाउट वरी अबाउट ऑल दैट, लोकल लोकल फूड लोकल ये सब ज्यादा एक्सप्लोर करने मिलना चाहिए। आई लव द लोकल फूड ऑफ कश्मीर। माय हस्बैंड इज अ कश्मीरी एंड आई एम अ फैन ऑफ कश्मीरी फूड। हाक इज माय फेवरेट। मैं दो बार आई हूँ, इसके पहले मैं आई थी अपने फैमिली के साथ, मदर फादर और ब्रदर। दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तभी स्नो फॉल हुआ था तो इट वाज वेरी स्पेशल। इस बार भी बहुत स्पेशल है, ये मेरी पहली विजिट है मेरे हस्बैंड के साथ, सो इट्स स्पेशल एंड इट्स हिज होम टाउन, सो इट्स रियली स्पेशल। मेरा नाम निदा है और मैं श्रीनगर से हूँ, प्रिसाइज़ली लाल बाजार। यहाँ तो बचपन से आना होता था। आई हैव बीन हियर सिंस माय चाइल्डहुड, इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम हियर, बट फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस वो है। हाँ, लाइक अगर अभी हम देखें कि न्यू ईयर यहाँ पहली बार मनाया जा रहा है तो आई हैव बीन, इनफैक्ट मैं भी फर्स्ट टाइम ही न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था यहाँ पे। बट टुडे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि वील ऑल्सो फील एंड सी वट एक्चुअली सेलिब्रेशन फील लाइक, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि अगर हम देखें कि विद रिस्पेक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे सोनमर्ग, जैसे गुलमर्ग है या पहलगाम है, वहाँ डेवलपमेंटल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिली विद इन द डेकेड्स। बट हैविंग सेड दैट, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल ने थोड़ा सा कम डेवलपमेंट देखा। अगर आज हम देखें सोनमर्ग में इतना इन्वेस्टमेंट्स है, फ्रेंचाइजीज है या फिर इतना डेवलपमेंट है, उसके लिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि डिपार्टमेंटल नेक्सेस हो। क्योंकि अगर आप बाहर से किसी कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ला रहे हैं, यहाँ पर जो कोर डिपार्टमेंट से काम होगा that is where you demand more investment. तो अगर हम बात करें with respect to electricity, तो यहाँ पे अगर जेड मोहर टनल का हम देखें, अंडरग्राउंड केबलिंग वगैरह हुई है, तो दैट इज़ समथिंग जो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। दैट विल इवेंचुअली हेल्प अस इन टूरिज्म सेक्टर विच इज़ द backbone ऑफ आवर इकॉनमी itself. तो जेड मोहर टनल विल हेल्प अस मोर इन टू द टूरिज्म सेक्टर। और अगर इवन इफ द ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगा, दैट विल बी अ मेजर फैक्टर ऑफ इट, क्योंकि सोनमर्ग बिल्कुल आइसोलेट हो जाता था विद रिस्पेक्ट टू द स्नो एंड एवरीथिंग। इन एडिशन टू इट, अगर वाटर फैसिलिटीज़ देखें तो हमारा माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो हमारी पाइपलाइंस वगैरह फ्रीज हो जाती थी, तो दैट इज़ अ वे आउट जो यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड R&B वगैरह ने बहुत ज़्यादा काम किया है उस बेस। अगर हम देखें तो एक फिर से एक बूस्ट मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टूरिज़्म, क्योंकि हमारा बैकबोन है एज आई
सेट प्लस इन एडिशन टू इट, जैसे आज प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो क्रिएटिव आर्ट्स को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. जैसे हमारा पेपर माशी है यहाँ पर, तो एक स्टॉल पेपर माशी का भी है वहाँ पर, एंड इवन बास्केट वीविंग का भी एक स्टॉल है. आई थिंक क्रिएटिव आर्ट्स को थोड़ा और बूस्ट मिलना चाहिए, जिसकी वजह से एक लोकल गो लोकल का एक जो स्लोगन हम चलाते हैं, गवर्नमेंट जो चलाते हैं, वो यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाएगा. जर्ड मोहर टैनल उस चीज़ का बहुत बड़ा एक रीज़न रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इनफैक्ट स्नोफॉल इस बारी यहाँ पे रादर देन मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट गोइंग टू गुलमर्ग, ऑनली एक सोनमर्ग भी एक डेस्टिनेशन रहेगा इन ऑल वेदर, इन स्नो एज वेल.